इस बंदे का नाम है श्वेताप गंगवार, अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ ना तो उसके लिए सॉरी, मतलब इनके साथ थोड़ा गलत हो रहा है यूट्यूब पे, इनके ऊपर और दो लोगों के ऊपर केस हो गया है, वो भी 2 करोड़ का, डिफेमेशन मतलब मानहानि का केस एक बंदे ने किया है जिसका नाम है प्रवचन, पूरा नाम पढ़ूंगा तो दिक्कत हो सकता है उसको, इसीलिए इग्नोर मारते हैं, उसका भी फोटो दिखा देंगे हम आपको। और यार इनके ऊपर भी वही 2 करोड़ का केस हुआ है डिफेमेशन का, इस बंदे का नाम है पी पॉय, नाम गलत पढ़ाऊँ तो सॉरी, इनके ऊपर भी 2 करोड़ का केस हुआ है वही डिफेमेशन मानहानि का। और संदीप महेश्वरी के ऊपर भी वही सेम केस हुआ है 2 करोड़ का, मतलब 3 लोगों के ऊपर केस हुआ है 2 करोड़ का डिफेमेशन का। तो संदीप महेश्वरी ने पहले एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था कल्चर ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर श्वेताप ने रिएक्शन दिया था, कुछ दिया था, फिर उसके बाद श्वेताप के वीडियो पे प्रवचन वाले भाई साहब ये फ़ोटो देख लो, इन्होंने रिएक्शन दिया था उस वीडियो पे और उल्टा सीधा कुछ बोला था संदीप को। फिर संदीप महेश्वरी ने अपना वीडियो डिलीट किया, श्वेताप ने भी अपना वीडियो डिलीट किया, लेकिन उसने डिलीट नहीं किया। इसी के चलते कई सारी वीडियो प्रवचन वाले भाई साहब ने बनाया और बात आगे बढ़ती गई, कॉन्ट्रोवर्सी फैलती गई, और उस बंदे ने प्रवचन वाले भाई साहब ने इन तीनों को ऊपर केस कर दिया, वो भी 2 करोड़ का, कि इन्होंने मुझे मानहानि पहुंचाया, बेइज्जती मेरी करी है। और जो कि भाई देखो वो दूसरे की थंबनेल में फ़ोटो यूज कर रहा है संदीप महेश्वरी की, और काफ़ी तगड़े व्यूज पा गया और सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी उसने गेन कर लिए हैं। तो वही श्वेताप को अब मदद की ज़रूरत है 2 करोड़ रुपए की, मतलब पैसे नहीं देने, उनका साथ दो, पैसे देने की बात जब आएगी तो देखा जाएगा, बट अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। कि जैसे कि देखो ऐसे नहीं समझा पाऊँगा मैं, ऐसे समझो एक कहानी के ऊपर लो, जैसे आपका दोस्त साथ रहता है वो अभी 2 साल 3 साल से मान लो, ठीक है, आप थोड़ा ग्रो कर रहे हो, थोड़ा आगे जा रहे हो, उससे 10 कदम आगे हो, बट साथ में रहते हो, बातचीत एकदम नॉर्मली होता है, बट 2-4 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो भी मज़ा ले रहा है आपका, आप भी उसको थोड़ा सा मज़ा ले रहे हैं, आप उसको गलती से मुंह से साले बोल देते हैं कि अबे चल साले, इतना ही बोलते हैं, आपको लगता है कि वो मजाक है, और जितने बैठे हैं कि सबको लगता है कि चल भाई मजाक ही है, लेकिन वो जो सुना है ना उसको मजाक नहीं लगा, उतना देर तुम्हारे ऊपर हंसा ठीक है, लेकिन वो जाएगा आप कोर्ट में, तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का केस करेगा, किसने मुझे साले बोला, वो भी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी मतलब करना चाहे। तो उसी के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने आवाज़ उठाया है, इसको अगर यूट्यूब पे बंद नहीं किया गया तो आज ये आवाज़ उठाया है तो कल को कोई और भी उठा सकता है। जैसे कि देख लो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके बारे में, हीरो हीरोइन और बॉलीवुड के बारे में कुछ भी बोलते हैं गलत जो है उनके ऊपर भी, अगर वो सब भी ऐसे ही करते रहे ना तो सबकी वाट लग जाएगी, कोई किसी को अगर बोल गया कोई किसी की कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब जो सही रहेगा ना वो भी किसी के सामने आ नहीं सकता। तो इसी के लिए मतलब काफ़ी लोगों ने उठाया आवाज़ भी है, काफ़ी लोग साथ भी दे रहे हैं, तो आप भी अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप साथ दे सकते हैं श्वेताप का। वैसे संदीप महेश्वरी ने भी इनका फुल सपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने खुद ही बोला है कि अगर जो वो केस हारते भी हैं तो 2 करोड़ संदीप महेश्वरी खुद देंगे उनको, प्रवचन वाले भाई साहब को, और क्या मतलब अगर केस लड़ते हैं तो वो भी लड़ेंगे और क्या ही। और मतलब वो 26 साल का है, उसका नाम छोटी बच्ची रखा गया है, मतलब उसको खुद समझ में नहीं आता है कि बताओ आज के टाइम में जो भाई ऑनलाइन है कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, अब हीरो हीरोइन को लोग इतना कुछ बोलते हैं, बॉयकट कर रहे हैं फिल्म को, बॉलीवुड को इतना ज़्यादा, लेकिन किसी हीरो हीरोइन को फ़र्क पड़ रहा है, अगर पड़ेगा फिर तो क्या हर किसी पे केस करते फिरेंगे वो, ऐसे में तो सारे क्रिएटर जो हैं जेल में बैठेंगे आराम से। मतलब अगर कोई बात सच्ची भी है और जनता तक पहुंचानी भी है तो वो तो आप तक पहुंचेगी ही ना, लेकिन जिसके बारे में वो है वो केस कर देगा, मतलब इसने कैसे बोला मेरे को। तो उसी को लेके काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाया है, काफ़ी लोग साथ भी दे रहे हैं श्वेताप का, तो मैंने सोचा एक वीडियो हम भी बना दें, भले से ही हमारे 3 सब्सक्राइबर्स हैं 1 साल में, लेकिन बनाने में क्या ही जा रहा है ना, उसका फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम तो श्वेताप का साथ देंगे, और कोई कुछ भी बोले मतलब हम भी बना लेते हैं कॉमेडी थोड़ा बहुत, किसी को बोल देते हैं। अब देख लो से बड़े बड़े रोस्टर हैं, अगर छोटे इन्फ्लुएंसर को वो कर रहे हैं रोस्ट, उनकी कुछ पॉइंट्स को नोटिस किया जाता है, उसके बाद किया जाता है वो भी कॉमेडी के लिए,
मतलब पर्पस जो होता है ना, एंटरटेनिंग पर्पस के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग दिल पे लेते हैं, वो पता नहीं क्यों लेते हैं। मतलब क्या मिलना है उनको यार, उनसे सीखो कुछ, वो सही तो बोले होंगे ना। और मैंने ये भी सुना कि श्वेताप ने खुद बोला कि प्रवचन वाले भाई साहब के साथ मेरा कई साल का दोस्ती था, मैं उसे अपना भाई समझता था, फिर भी पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मुझे यार इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, और आपसे ये भी नहीं कहना है कि लाइक और सब्सक्राइब करो, जो होगा सो हो जाएगा धीरे धीरे। आप जाके श्वेताप को सपोर्ट करो, ट्विटर पे लिखो आप इतना, #SaveShwetapGangwar। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।